दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही चैनल सोशल बिकू पे। आज का ये वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से जो सांसद हैं, जो विधायक हैं, जो मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, उनके पेंशन जो हैं उसमें हाइक, बता रहा हूँ आपको, हाइक जो है वो करीब 20,000 रुपये का हुआ है। तो जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनके पेंशन में हाइक 20,000 रुपए का हुआ है। मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ पेंशन की नहीं, हाइक की बात कर रहा हूँ। अगर जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होते हैं उनकी जो पेंशन होती है वो अगर 50,000 ऑलरेडी होती है, मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूँ, अगर उनकी पेंशन 50,000 है तो उस पर ये हाइक हुआ है 20,000 का, यानी अब उनकी पेंशन जो होगी वो करीब करीब 70,000 रुपये होगी। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे देश में जो मेंबर्स होते हैं, जो सांसद होते हैं, जो विधायक होते हैं, जब भी वो 5 साल के कार्यकाल के दौरान जितनी बार भी दोबारा वो कार्यकाल करते हैं, या फिर अगर एक बार भी वो पेंशन बनते मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं तो उन्हें जो है पेंशन दिया जाता है। आपको बता दें कि वो जितनी बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनेंगे, एक बार बनेंगे, दो बार बनेंगे, तीन बार बनेंगे, हर बार उन्हें वो 5 साल के टर्म के हिसाब से ही पेंशन दिया जाता है और वो लाइफ टाइम पेंशन उन्हें मिलता है। तो यानी आप कह सकते हैं कि असीमित पेंशन की संभावनाएं जो हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के लिए होती हैं। बहुत तरह की सुविधाएं रहती हैं, हर चीज़ की व्यवस्थाएं रहती हैं। हालांकि उसके बाद भी अगर देखा जाए तो वो अपनी कहीं ना कहीं जिम्मेदारियाँ पूरी तरह से नहीं निभाते हैं। जितना उनके ऊपर खर्चा और जितना उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट, जितना उनके ऊपर जो है टैक्स पेयर का पैसा लगता है, लेकिन उस हिसाब से उनका कभी भी आपने नोटिस किया होगा कि उस हिसाब से वो नहीं करते हैं जितना कि एक आम इंसान जो कि मेहनत करता है, जो कि दिन रात परिश्रम करके जो है अपना जीवन निर्वहन करता है, जो सुख सुविधाएं उसे भी मिलनी चाहिए थे और वही सुख सुविधाएं उन्हें भी मिलनी चाहिए। हर एक को इक्वल रखना चाहिए जिससे कि देश में अकाउंटेबिलिटी बनी रहे और ऊपर जो अमीर और अमीर हो रहे हैं, जो गरीब और गरीब हो रहे हैं, ये सब भावनाएं कम हो। हालांकि ऐसा नहीं है हमारे देश में। हमारे देश की सुविधाएं थोड़ी अलग हैं, हमारे देश की व्यवस्थाएं अलग हैं, हमारे देश का कई चीज़ जो है जो कि बिल्कुल अलग है, जिसमें कि आप देख सकते हैं नेताओं के ऐसो आराम, बाकी अन्य जो सुविधाएं हैं उस चीज़ में आप देख सकते हैं कि उन्हें पेंशन में भी। अब आपको बता दें कि जैसा कि आप मेरे सामने आप देख सकते हैं, यहाँ पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स गेट हाइक्ड पेंशन ऑफ 20,000 रुपीज पर मंथ एंड वी आर गेटिंग 1,000 सेम ऑन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड EPFO। तो ये मैं आपको दिखाऊंगा पूरे डिटेल में कि क्या है अपडेट। जो लोग, आप समझिए कि जो लोग दिन रात परिश्रम कर रहे हैं, हालांकि उन्हें 20,000 नहीं तो कम से कम जो है 7,500 या उनकी जो अभी वर्तमान है उसमें कम से कम 5,000 रुपये का तो हाइक सरकार की तरफ से करना ही चाहिए, क्योंकि ये वो लोग हैं जो कि परिश्रम करते हैं, जो कि मेहनत करते हैं, इनका भी पैसे पे उतना ही अधिकार है, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं जो पैसा है टैक्स पेयर के द्वारा आ रहा है, जो टैक्स देते हैं वो सरकार के पास पैसे जाती है। और उस तरह से मिनिस्टर्स को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को इतना अधिक पेंशन देना जो कि कहीं ना कहीं जो है भेदभावपूर्ण महसूस होता है। तो मैं आपको पिक्चर्स दिखाने वाला हूँ, वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा दोस्तों, महत्वपूर्ण वीडियो है और पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोग के साथ साझा करूँगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट भी करूँगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। इसको शेयर इसलिए करिएगा कि ये जो बातें हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग समझ सकें। अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग समझेंगे तो कहीं ना कहीं जो है इसका इम्पैक्ट लंबे समय तक पड़ेगा और लोग समझेंगे कि पेंशन में गैप तो होना चाहिए, लेकिन पेंशन जो है गैप इतना अधिक भी नहीं होना चाहिए कि जो है ज़मीन और पहाड़ का अंतर समझ में आने लगे। कुछ तो गैप जरूर ठीक है समझ में आता है, लेकिन इतना गैप नहीं होना चाहिए कि 1,000 और कहाँ 70,000 या 80,000 रुपये पेंशन सिर्फ मिलते हैं। 1,00,000 तक पेंशन भी लोगों को मिल रहे हैं, तो वो जो है सही कहीं ना कहीं नहीं है। चीज़ों को हमारे देश में ऐसे लागू करनी चाहिए कि वो सबके लिए इक्वल हो। अगर बात की जाए जैसे पेंशन की, तो अगर कहीं 1,00,000 पेंशन है तो किसी ने जो मिनिमम जो पेंशन होना चाहिए वो कम से कम 10,000 तो होना ही चाहिए, उससे नीचे ना हो, ताकि जो 10,000 वाला भी वो भी अपने जीवन को निर्वहन कर सके और जो 1,00,000 वाला व्यक्ति है वो भी अपने जीवन को निर्वहन कर सके अच्छी तरीके से। जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है आज के समय की, आप लोगों को पता है कि महंगाई दर भी बढ़ रही है और सब कुछ बढ़ रही है, तो 1,000 रुपये पेंशन में पेंशनर्स का गुजारा करना काफ़ी जो है मुश्किल भरा काम है। कम से कम अगर पेंशनर्स के परिवार में 2 से 3 लोगों को भी, अगर उनके बच्चे को अलग कर दिया जाए, बच्चे अगर वो बड़े हो चुके हैं और वो अपना जिम्मेदारी निर्वहन कर रहे हैं, तो भी कम से कम 2 लोग जो है पति पत्नी का जो है मिनिमम 1,000 रुपये पेंशन में दवाइयों का, बाकी चीज़ों का जो है सर्वाइव करना, वो काफ़ी समझने वाली बात है, काफ़ी
आपको इस बारे में सोचना चाहिए। काफ़ी जो ये एक दर्दपूर्ण बात है कि किस तरह से 1,000 रुपये में, लॉजिकल बात भी है कि काफ़ी 1,000 रुपये में आज के ज़माने में सर्वाइव करना बहुत ही कठिन है पेंशनर्स के लिए। तो ये जो है, ये चीज़ें कमियां हैं, ये कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो कि एक लूप पोल है कि आप किसी को, एक कहावत होती है कि किसी को इतना दे दिया जाए कि उसे रखा ना जाए और किसी को बिल्कुल भी ना मिले। तो कुछ उस तरह का जो है सीन यहाँ पर आप है जो कि पेंशनर्स के लिए। तो आइए अब देखते हैं कि क्या ये अपडेट है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि नेशनल एलिगेशन कमेटी है, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट से पेंशन हाइक टू अप टू 20,000 रुपीज, बट EPS 95 पेंशन कट ऑफ 8.33% फ्रॉम द सैलरी, पे ऑल द टैक्सेस, बट आफ्टर रिक्वायर्ड आफ्टर रिटायर दे विल गेट मिनिमम पेंशन 1,000। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर सोशल EPFO बाकी चीज़ों को टैग किया गया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, नेशनल एलिगेशन कमेटी ने क्लियरली यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो मिनिस्टर्स हैं उन्हें ना कि, हाँ अब जैसा कि सभी को पता है कि जो मिनिस्टर्स या फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो होते हैं, उन्हें जो है बहुत तरह की छूट मिलते हैं, सुविधाएं मिलती हैं, हर एक जगह आप उनको देख सकते हैं, और साथ ही साथ उन्हें जो है पेंशन भी अधिक मिलता है। तो और बाकी जो जो लोग 8.33% जो है अपना सैलरी कटवाने के बाद भी उन्हें 1,000 रुपये पेंशन मिल रहा है, तो ये काफ़ी जो है संवेदनशील मुद्दा है जिसे सरकार को समझना चाहिए। तो अब आप ये देख सकते हैं, लोकसभा सेक्रेटरिएट ने नोटिस दिया, नोटिस ऑफ इन्फॉर्मेशन रिवाइजन ऑफ पेंशन ऑफ एक्स मेंबर्स ऑफ लोकसभा। आपको पता था कि अगर लोकसभा का मेंबर कोई एक बार भी बना हुआ है, चाहे वो 5 साल का ही कार्यकाल क्यों ना करे, उसे पेंशन मिलनी ही है। और जितनी बार वो लोकसभा मेंबर बनता है, उस वो हर बार के 5 टर्म के हिसाब से उसका पेंशन जो है इंक्लूड किया जाता है। हर बार पांच को उसका टर्म के हिसाब से उसे पेंशन दी जाती है। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू एक्स मेंबर्स ऑफ लोकसभा आर हियरली इन्फॉर्म बाय पेंशन, एक्स MPs हैज बीन एनहेंस्ड विद रिस्पेक्ट टू 1 अप्रैल 2018 विद ₹20,000 टू 25,000 पर जो यहाँ पर मेम सम्स ऑफ फॉर द पीरियड ऑफ एक्सीडिंग 5 ईयर्स, देयर शैल बी पेड टू एन एक्स MPs एन एडिशनल पेंशन ऑफ ₹22,000 पर मेंशन एवरी ईयर्स सर्व एक्सेस टू 5 ईयर्स। तो जिन्होंने भी 5 साल काम किया है उनका जो पेंशन है वो बढ़ के 20,000 रुपये एक्स्ट्रा उसमें हाइक किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो है नोटिस है, नोटिस इन्फॉर्मेशन है रिविजन ऑफ पेंशन ऑफ एक्स मेंबर्स ऑफ लोकसभा। तो ये आप देख सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये नोटिस जारी किया गया है। और आपको बता दें कि विदेशों में, कई देशों में ऐसा है कि जहां पर अगर आप, आपके बगल में कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे या फिर वो आपके साथ ही ट्रेवल करेगा और आपके साथ ही वो अपनी जिम्मेदारियों को पूरा निभाता है, लेकिन हमारे देश में इस तरह से कल्चर नहीं है। हमारे देश में राजशाही कल्चर है जिसमें आपको डिफरेंसेस साफ साफ नजर आने लगते हैं। आप हमारे देश में आप देखेंगे कल्चर जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है, और इसमें जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या फिर एक छोटा सा भी कोई लीडर होता है, कहीं छोटे से कस्बे का भी अगर लीडर हो तो भी उसके इतना अधिक जो है यहाँ पर आप बोल सकते हो कि शो ऑफ का तरीका हमारे देश में इतना अधिक है कि लोग जो है काफ़ी उससे परेशानी का सामना करते हैं, और उन्हें महसूस होता है कि हमारे और इनके बीच में बहुत लंबा गैप है, जिस वजह से वो अपनी समस्याओं को कभी भी जो है उनके पास जाने से भी हिचकिचाते हैं और अपनी बात बताने से भी जो है हिचकिचाते हैं, क्योंकि ये उन्हें अपने जैसा फील नहीं महसूस हो पाता है, जिस वजह से लोग दूरी बनाना ही बेहतर समझते हैं। बढ़ते हैं आज के अगले अपडेट की तरफ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, फेसबुक ने कभी किसी की बुराई नहीं की, सभी को दोस्त बनाया, लोगों को एक धागे से जोड़ा। क्या EPS 95 मेंबर्स एक ही धागा है, अशोक राव सर से जुड़ेंगे, येस और नो? तो ये आप देख सकते हैं कि जो प्रमोद जी हैं NSE के मेंबर्स हैं, इन्होंने लिखा हुआ है कि से येस ओनली, इंडिया इंडिया 95 सिंगल थ्रेड ऑफ वन लीडरशिप अंडर द अशोक राव सर। तो इन्होंने बात की है, प्रमोद जी ने अपनी बात को रखा हुआ है कि फेसबुक ने कभी किसी की बुराई नहीं की है, सभी को दोस्त बनाया है, लोगों को एक धागे से जोड़ा है। क्या EPS 95 मेंबर्स एक ही धागा अशोक राव से सर से जुड़ेंगे, आपको क्या लगता है इस विषय में, हाँ या ना? तो इन्होंने लिखा हुआ है कमेंट जो है, इन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है येस और नो, तो उस विषय में इन्होंने पूछा हुआ है कि आप कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों आपको क्या लगता है इस विषय में, क्या सभी पेंशनर्स को एक स्रोत में जोड़ना चाहिए और अपनी मांगों को आगे बढ़ाना चाहिए जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक बात पहुंचे और अधिक से अधिक जो है
बड़े पैमाने पे जो है आंदोलन को किया जा सके। तो आप इस विषय में अपने राय क्या रखते हैं वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और आप अपना कमेंट जो है वहाँ पर हमें कमेंट कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं नीचे आप कमेंट बॉक्स में जाके। तो ये कुछ अपडेट्स थी दोस्तों, जो कि आज की अपडेट्स थी और महत्वपूर्ण अपडेट्स थी, जो कि आप लोगों के साथ साझा करना अति आवश्यक था। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा एक बार फिर से कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, कम से कम कोशिश करिए 1 लाख 2 लाख 4 लाख लोगों तक बात पहुँच सके, वो इस वीडियो को देख सके, वो इस इन सब चीज़ों और समस्याओं को समझ सके। तो कम से कम 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करिए। हमारे देश में अवेयरनेस की कमी है काफ़ी अधिक, जो है लोग जो है अवेयर नहीं रहते हैं चीज़ों के प्रति, जिस वजह से वो लोग परेशान रहते हैं और अपने मांगों को लेके भी उदासीन रहते हैं, अपनी मांगों को बहुत अधिक प्रायोरिटी नहीं देते हैं जो कि उनका हक होता है उसके बाद भी। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और मैं आप लोगों से फिर मिलूंगा अगले वीडियो में और किसी नए अपडेट किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप लोग सभी लोग खुश रहिए, आनंद रहिए और हमें इजाज़त दीजिए, हम आपसे फिर मिलेंगे नए नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, आप सभी का दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।